बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। आज विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक पटना में गुरुवार को पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इसके चलते विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और इस दौरान बीजेपी विधायक संजय सिंह मेज पर चढ़ गए, जिसके बाद संजय सिंह को मार्शल आउट करने का आदेश दिया। इस दौरान उनके सर पर चोट लग गई। देखिए, हम कल की घटना का विरोध कर रहे थे, हम बता रहे थे, अपनी पीठ दिखा रहे थे, देखिए कैसे कल बर्बरतापूर्ण तरीके से आपके सरकार ने लाठी चलवाया हम लोगों पर। यह केवल दिखाना था कि अध्यक्ष ने तुरंत मार्शलों को बाहर करने के लिए कहा और हमको जबरन उठा करके बाहर फेंक दिया गया। सर में चोट लगी है, मार्शलों ने बेतरतीब तरीके से, अध्यक्ष ने जितना उन लोगों को डायरेक्शन दिया है, पहले से लगता है कि जाओ इन लोगों की हत्या तक कर दो। इस ये निकम्मी सरकार बिहार के अंदर सदन में हम लोगों को नहीं बोलने दिया जा रहा है, सड़क पर बोलने नहीं दिया जा रहा है, यह आपातकाल बिहार के अंदर लागू कर दिया गया है। अभी सर में चोट लगी। पटना में विधानसभा से बीजेपी विधायकों के मार्शल आउट को लेकर बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने इसकी आलोचना की और सरकार पर निशाना साधा। कल जिस बर्बरतापूर्ण ढंग से शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च पर लाठी बरसाई गई और सांसद को, विधायक को, प्रमुख कार्यकर्ता को जिस तरह से सर पर लाठी मारा गया, ये सरकार के निर्देश पर ये हुआ है और इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं।